साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। तो संत आसाराम जी बापू आश्रम जहांगीरपुरा सूरत के अंदर 5 दिवसीय ध्यान योग शिविर का आयोजन हो रहा है 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक। तो बात करेंगे सूरत आश्रम के सूरज भाई से। सूरज भाई, 5 दिवसीय ध्यान योग शिविर हो रही है, आज 3 मार्च है, तो क्या तैयारियां पूरी की पूरी हो चुकी है शिविर? सभी के लिए बापूजी के आशीर्वाद से बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था। यहाँ पे अपना गुरुकुल है, वहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था है, और एक बड़ा पंडाल है वहाँ पे, और भी जगह सुंदर से सुंदर व्यवस्था की गई है। तो जो भी साधक ये वीडियो देख रहे हैं, वो अभी तक उन्होंने यदि टिकट बुक नहीं कराई तो अवश्य अपनी टिकट बुक करा लें, और दूसरों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ कि वो जैसे बापूजी की उपस्थिति में आध्यात्मिक स्पंदनों का, आध्यात्मिक उन्नति का लाभ मिलता था। हम लोग बोलते थे कि हमारी बैटरी चार्ज हो गई, फुल चार्ज हो गई, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि साधकों को वही अनुभव इस बार भी होगा। उनको लगेगा कि जैसे बापूजी स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान है और उन पर आध्यात्मिक स्पंदनों की वर्षा कर रहे हैं। भीड़ तो यहाँ असीम, जैसे बापूजी थे आती थी, और उसी प्रकार से भीड़ फिर आपको देखने को मिलेगी, और कार्यक्रम बहुत गजब का होगा, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था एक सूरत आश्रम की एक ऊर्जा जो है वो विशेष ऊर्जा है, और यहाँ के स्पंदन शक्ति जो है बरदादा की हमारे, तो उसका तो कहना ही क्या है कि लोग विदेशों से भी लोग जो आते हैं उसका लोहा मानते हैं कि जो यहाँ ऊर्जा हमको मिलती है वो हमने बहुत बहुत तीर्थ स्थानों में कहाँ कहाँ जा जा करके देखा, हमको वो शांति और वो नहीं मिलती है जो हमको यहाँ मिलती है। उसी निमित्त मैंने यहाँ, क्योंकि व्यवस्था में पहले अपने बरदादा को स्नान कराना पड़ता है, तो मैंने पूर्ण रूप से बरदादा को स्नान वगैरह करवाया, और स्नान कराने के बाद आप देखिए अब वस्त्रों का श्रृंगार भी चल रहा है, सब श्रृंगार हो रहा है, और इस वजह से अपनी तैयारी हम लोगों की पूर्ण रूप से चल रही है, और उनमें कोई किसी प्रकार से कमी नहीं है। और आने के लिए यहाँ सर, भारत तो भारत रहा, विदेशों से भी लोग अनेक अनेक बहुत लोग आएंगे, और आने के बाद इसका आनंद लेंगे। हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में 3 नंबर दिए हुए हैं, ये आश्रम के नंबर हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे भी यदि आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक 137 नंबर की बस है जो सीधा स्टेशन से आश्रम आती है, सीधा आपको आश्रम पे छोड़ देगी। इसके अलावा भी आपको कोई परेशानी आती है तो वहाँ पे भी सेवादारों की व्यवस्था रहेगी, वो भी आपको गाइड करेंगे, या आप फ़ोन के माध्यम से भी पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसे सुबह का नाश्ते की बात की जाए, भोजन की बात की जाए, तो भी सब व्यवस्था रहेगी, बहुत सुंदर व्यवस्था रहेगी। और यहाँ पे तो विशेष रूप से बापूजी जैसे बोलते हैं, देसी गाय के दूध का बहुत सुंदर औषधियाँ डाल के बनाया जाएगा, और बापूजी चाहते हैं कि हमारे जो भी साधक आए वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी पुष्ट हो जाएं, तो उसकी भी बहुत सुंदर बापूजी ने व्यवस्था करवाई है, और वो व्यवस्था तैयारी में बिल्कुल हो चुकी है। तो अतः आप ज़रूर आएं, आपके रहने, खाने, आने जाने की बहुत सुंदर व्यवस्था है, और आपको आध्यात्मिक उन्नति का भी लाभ अवश्य मिलेगा। किसी ने मंत्र दीक्षा नहीं ली है तो भी लाभ ले सकता है? ज़रूर, उनके लिए भी तो विशेष ऑफर है ये कि आप लोग खुद भी आएं, और जो आपके सहयोगी इस मंत्र दीक्षित नहीं है उनको भी लेकर आएं, क्योंकि यहाँ पे आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों का लाभ अवश्य मिलेगा कि बापूजी की कृपा से कैसे मंत्र दीक्षित लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग भी किस तरह इस विषय में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो जो भी देख रहे हैं वो दूसरे साधकों तक, लोगों तक भी ये वीडियो अवश्य पहुँचाएँ, और यदि आपने अभी तक अपनी टिकट बुक नहीं कराई तो अवश्य टिकट बुक कराएँ, और आध्यात्मिक बापूजी की आध्यात्मिक स्पंदनों का लाभ लेकर अपना जीवन उन्नत करें। जैसे किसी को 5 दिन नहीं रहना है, 2 ही दिन शिविर में रहना है, तो भी वो लाभ ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, सभी के लिए सुंदर व्यवस्था है, आप जितने दिन चाहते हैं उतने दिन रुककर इन आध्यात्मिक स्पंदनों का, वाइब्रेशनों का लाभ ले सकते हैं। और जब एक बार आप आएंगे ना तो आप अपने दूसरे सारे काम छोड़कर यहाँ पे पूरे दिन रुक के जाएंगे। पहले आए रहे हुए साधकों का, भक्तों का यही अनुभव रहा है, वो आते 1-2 दिन के लिए, फिर बाद में बोलते नहीं अभी जाने दो, पूरा करके ही जाएंगे। जैसे हमने अगले साल देखा था होली पे, जैसे बापू जी का शिव विग्रह रख कर पलाश के फूलों से लोगों को होली खिलवाई थी, ऐसा ही नज़ारा देखने को? बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा, और
साधकों को यही अनुभव होता है, श्री विग्रह नहीं है, बापूजी हमें होली खिला रहे। और ऐसा ही अनुभव होता है, हर साधक सोचता है कि हाँ बापूजी के कर कमलों से हमने होली खेली। बापूजी की उपस्थिति, हाँ बिल्कुल उपस्थिति रहेगी, ऐसा अनुभव सबको हुआ है और इस बार भी होने ही वाला है। क्या बापू की उपस्थिति रहेगी? बापू की सूक्ष्म सत्ता जो है वो सदा हम साधकों के साथ में रहती है और इसका अनुभव हर साधक को होता है। और साधक तो साधक रहे, अगर जो सच्चे भाव से हमारे साधकों के साथ में आता है या वैसे भी अगर आता है तो उसको भी यहाँ के स्पंदन जो शक्तियाँ बापू की ऊर्जा है उसको मिलती है और उसको आनंद आता है और सदा वो दोबारा फिर आने के लिए ललायत भी होता है, क्योंकि जो आनंद हमको यहाँ मिलता है शायद हमको दूसरी जगह अन्य रंगों से नहीं मिल सकता, क्योंकि प्लास के रंग में कितनी हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, कितना हमको आनंदित करती है, आह्लादित करती है, ये तो जिनको अनुभव है वही बता सकते हैं। तापी नदी का किनारा है, ध्यान भजन साधना करना चाहे तो भी सुबह सुबह बहुत सुंदर, बहुत आनंद आता है। तापी को सूर्यपुत्री कहा जाता है और यहाँ पे तापी नदी का पूरा किनारा है, शांत वातावरण है, किनारे पे बैठ के भी आप जप ध्यान का लाभ ले सकते हैं। पुराना शिव मंदिर है और यहाँ के शिव मंदिर की विशेषता ये है कि मशीन के द्वारा मापा गया है कि यहाँ की जो ओरा है वो तिरुपति बालाजी मंदिर के समान है, तो यहाँ के शिव मंदिर में बैठ के भी आप जप ध्यान का लाभ ले सकते हैं और लेना ही चाहिए। जीवन में उन्नत होने के लिए, अपनी सारी टेंशन से रिलीव करने के लिए, आपको शांत पवित्र आध्यात्मिक स्पंदनों से ऊंचे वातावरण में साल भर में 2-3 बार जाना ही चाहिए। इससे आपकी बहुत उन्नति होती है, खाली आदि दैविक नहीं, आदि भौतिक रूप में भी यदि आप उन्नत होना चाहते हैं तो ऐसे वातावरण का लाभ आपको अवश्य लेना चाहिए। आजकल हम सुनते हैं कि मेडिटेशन, ध्यान, योग, लेकिन वास्तविकता में मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी गहराई क्या है, उसका अनुभव कैसा है, यदि आप ये करना चाहते तो आप अवश्य इस शिविर का लाभ लें। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।